दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में और फीमेल हाइजीन के बारे में। दोस्तों इस टॉपिक पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, बट आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। संडे लाइव पर केसी अंचिता मिश्रा मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। रिक्वेस्ट क्या, एक टॉपिक मेरे साथ शेयर किया था ये बोल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि दी आप टीनेजर की जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है एंड फीमेल हाइजीन को लेकर कोई वीडियो क्यों नहीं अपलोड करती, तो प्लीज़ आप एक वीडियो अपलोड करना। मैं उनके रिक्वेस्ट पर आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ जब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। एक्चुअली मैंने उनसे कहा भी था कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, बट मेरी जो हेल्थ थी वो कवर नहीं हो पा रही थी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इस बीच मुझे पीरियड्स भी आ गया था, जिसकी वजह से मैं और भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो ये पीरियड्स का ही अनुभव था और बहुत कुछ मैंने इस बीच झेला कि मेरी बीपी बहुत ज़्यादा लो थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी ऊपर से ये पीरियड। बट अब ये सब पार हो चुका है और मेरी हेल्थ जो है वो पहले की तरह मुझे ठीक महसूस हो रही है, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अंचिता जी थोड़ा लेट बना रही हूँ, तो आज का वीडियो मैं बना रही हूँ अंचिता मिश्रा के लिए और मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनों के लिए। तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए पूरा देखना, इसके मत करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पीरियड्स की। पीरियड्स को एक शब्द में बताऊँ तो पीरियड्स है माँ बनने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो हम कभी भविष्य में माँ नहीं बन सकते। इसलिए हर महीने हमारे गर्भाशय में एक अंडा आता है जो 21 दिन तक ठहरता है और 21 दिन के बाद वो पीरियड्स के माध्यम से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो बच्चे के रूप में नहीं बन पाता तो बाहर आ जाता है। जब वो बच्चे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है या बन जाता है तो वो हमारे गर्भ में ठहर जाता है। यानी हर महीने ये प्रक्रिया चलती है हमारे माँ बनने की, ये एक माँ बनने की तैयारी है। मैं छोटे शब्दों में, सरल शब्दों में आपको बताऊँगी, आपकी बहन की तरह, ना कि एक डॉक्टर की तरह मैं ये समझाऊँगी, क्योंकि अगर मेरी छोटी बहन होती तो उसको इन्हीं शब्दों में समझाती जिन शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ। बट मेरा जो अनुभव था, मैं आपको बता दूँ, जब मेरा फर्स्ट पीरियड आया, मेरी एज थी 11। जी हाँ, मैं केवल 11 साल की थी, मेरा फर्स्ट पीरियड आया, मैं बच्ची थी। मेरी मम्मी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी एज में मुझे पीरियड आ सकता है, बट 11 से लेकर 13 साल की जो एज होती है उसमें पीरियड आता है। तो मेरे साथ किसी ने भी पीरियड्स के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया था। जब पहली बार पीरियड आया तो मैं बैठ के कॉमिक्स पढ़ रही थी, ठीक है, मैं कॉमिक्स लेट की कॉमिक्स पढ़ रही थी। अचानक से मेरी मम्मी आती है, मेरे कपड़े देखती है, मेरा फ्रॉक पहना था, मेरे कपड़े देखती हैं और उनके चेहरे का रंग जो होता है वो बदल जाता है, और वो मेरी दादी को बताती है तुरंत जाकर। मेरी दादी का भी रंग चेंज हो जाता है फेस का, तो मैं सोचती हूँ यार हुआ क्या, ठीक है। फिर मुझे लगता है कि शायद मुझे चोट लग गई है इसलिए ब्लड आ रहा है, या मुझसे कोई गलती हो गई, कुछ ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी और दादी इतने घबराए हुए, क्योंकि मेरी एज कम है और ऊपर से इतना जल्दी पीरियड आना भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हाइट वगैरह को लेकर। तो मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह ही पीरियड है। बट तो मेरी दादी वगैरह भी घबरा गई। तो जब मेरा ये अनुभव था, और भयंकर पेट में दर्द शुरू, क्योंकि जब पीरियड्स होता है तो पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ये आप जानते हैं। तो मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, मैं बहुत घबराई थी, और तब के टाइम ना छुआछूत भी बहुत किया जाता था कि ये मत छुओ, वो मत छुओ, अचार मत छुओ। जो हमारा बेड भी था वो अलग था, और पीरियड्स के वो चौथे या पांचवें दिन, जब हमारे यहाँ चौथे या पांचवें दिन हेयर वॉश किया जाता है, तो हेयर वॉश करने के टाइम पूरी चादर साफ़ करना, छोटे छोटे हाथ से 11 साल की लड़की चादर साफ़ कर रही है, अपने कपड़े धुल रही है। मैंने कभी भी नहीं किया था, मैंने फर्स्ट टाइम अपने कपड़े धुले थे, चादर धुली थी, बेडशीट धुली थी, तो वो जो अनुभव था बहुत ही ख़राब था। तो अगर आपकी बेटी 11 साल की एज में है, टीनेजर है, 11 से लेकर 13 साल की एज में, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया उसे पीरियड्स को लेकर बातें, तो ज़रूर उसके साथ बातें करिए। वैसे स्कूल में आजकल जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो दे दी जाती है पीरियड्स को लेकर, लेकिन आज भी माँ और बहन और जो घर की लेडीज़ होती हैं वो अपनी जो बच्चियाँ होती हैं उन्हें बताना सही नहीं समझती। तो प्लीज़ आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह वो भी शौक हो, और वो क्या ना, जब हम कपड़ा लेते थे 11 साल में, जब मैं पहली बार कपड़ा लेती थी तो कपड़ा गिर जाता था, कहीं पे भी कपड़ा गिर जाता था, हमें कपड़ा लेना भी नहीं आता था, तब पैड्स नहीं चलते थे, अब तो पैड्स चलते हैं, उसमें ज़्यादा आराम होता है, तब कपड़ा नहीं आता था, तो वो अनुभव ही बड़ा अजीब सा था, गीलापन रहता है हमेशा। तो आप उनके साथ ये बातें जरूर शेयर करें।
एंड दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप साफ़ सफाई कैसे रख सकते हैं पीरियड के टाइम। दोस्तों पीरियड में साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो आपको बहुत तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और हाँ, पीरियड्स के टाइम जब भी हम अपनी प्राइवेट पार्ट को साफ करते हैं तो साबुन का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो हमारा एचपी लेवल होता है हमारे प्राइवेट पार्ट का, वो पीरियड्स के टाइम चेंज हो जाता है। तो साबुन वगैरह का इस्तेमाल ना करें। वैसे हमारे योनि कुछ ऐसी बनी होती है, प्राइवेट पार्ट कुछ ऐसा बना होता है, वो खुद को साफ कर लेता है, लेकिन पीरियड्स के टाइम साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे की ओर से पीछे की ओर जाएं, अगर हम पीछे की ओर से आगे की ओर साफ करते हैं तो क्या होता है कि जो प्राइवेट पार्ट जहाँ का होता है, जो हमारी वजाइना होती है, उसके आसपास इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे गंदगी फैलने का डर रहता है। तो आगे की ओर पीछे की, आगे से लेकर पीछे की ओर साफ करें। और हाँ, जो भी हम पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, सैंडी पैड का इस्तेमाल करें, कपड़े का इस्तेमाल ना करें। आपके पास सैंडी पैड नहीं है, सिचुएशन ऐसी आ गई कपड़े का इस्तेमाल करना है, तो धुले हुए कपड़े का इस्तेमाल करें, जिससे डिटॉल से अच्छी तरह से धुल के सुखा लें, उसके बाद यूज करें। और सैनिटरी पैड का इस्तेमाल हो सके तो इस्तेमाल करें। सैनिटरी पैड आपको 4 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आपकी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है नहीं होती, इससे फ़र्क नहीं होता। होता यह है कि ऑफिस में काम करने वाली लड़कियाँ, क्या होता है, बाहर काम करने वाली लड़कियों को टाइम नहीं मिलता, वो 8-8, 9-9 घंटे एक ही पैड पे काम चलाती हैं। ये बहुत ही गलत तरीका होता है। और गांव की जो लड़कियां होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उन्हें उन्हें पता ही नहीं होता है, वो बिल्कुल स्वच्छता के मामले में बिल्कुल ही पीछे हो जाती हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर हम सफाई नहीं रखेंगे पीरियड्स के टाइम, तो हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और वजाइनल इन्फेक्शन होता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़, यहाँ तक कि आप बचपन के भी शिकार हो सकते हो, तो साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड हम बात कर रहे हैं खाने पीने की भी, थोड़ी बात कर लेते हैं पीरियड्स को लेकर। दोस्तों पीरियड के टाइम हमें हर चीज़ ऐसे नहीं खा लेनी चाहिए, बहुत तली भुनी चीज़ें, समोसा वगैरह नहीं खाना चाहिए। आप हो सके तो हेल्दी चीज़ खाइए। और कुछ लड़कियों की आदत होती है कि पीरियड्स के टाइम वो खाना ही पसंद नहीं करती हैं, ये बहुत ही गलत होता है। पीरियड्स के टाइम हमें बहुत ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। हो सके तो दूध वगैरह मत पिए, क्योंकि दूध वगैरह हमारे लिए अच्छा होता है, पर उसे पचाने में ना ज़्यादा टाइम लगता है, और उससे गैस बनने की संभावना ज़्यादा बन जाती है पेट में। तो ऐसी कोई चीज़ें ना खाएं, हेल्दी खाइए, सब्जियाँ खाइए, रोटी वगैरह खाइए, ठीक है। खाना जो पौष्टिक खाना होता है वो पूरा खाइए। एंड आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं खाती हूँ केला। जी हाँ दोस्तों, केला में मैग्नीशियम एंड पोटेशियम होता है, जो एक तो हेल्दी होता है, हमारे बॉडी को तुरंत ग्लूकोज वगैरह मिल जाता है उससे, और जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। कुछ लोग केला खाने को मना करते हैं, बट केला हमारा जो पेन होता है उसे कम कर देता है। तो आप कम से कम 2 केला ज़रूर खाइए पीरियड के टाइम। अगर आपको दर्द हो रहा है, आप केला खाइएगा, देखिए बहुत ही नेचुरल पेन किलर है, आपका पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड अगर आपका फर्स्ट टाइम पीरियड आया है, या फिर आपका पहला दिन है पीरियड का, तो आपको उस दिन सर नहीं धोना चाहिए, कि अगर हम सर धुल लेते हैं तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। और इस पीरियड के टाइम हमारे शरीर में गर्माहट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गर्माहट बनी होती है तो पीरियड जो है वो बहुत ही अच्छे से साफ होता है, बहुत ही अच्छे से निकल जाता है, रुकता नहीं है। तो आप पीरियड्स के टाइम पहले दिन सर ना धुलें, आप 4th या 5वें दिन ही सर धुलें, और हो सके तो पहले दिन ना नहाएं। लेकिन गर्मियों के टाइम आप डेली नहाएं, गुड़गुड़े पानी से अगर आप नहाते हैं तो आपके शरीर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आपकी कमर का दर्द, आपके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये थी पीरियड से जुड़ी कुछ बातें जो मुझे पता थी और आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती थी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करना। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना। और हाँ दोस्तों, पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।